हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सरिता और आज मैं आपके लिए फिर से एक यूनिक टॉपिक लेकर आई हूँ कि आप कोरोना वायरस टाइम में अपने जो करेंसी है, इंडियन करेंसी है, तो उसको किस तरह से कोरोना वायरस से आप सेव कर सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं न्यूज़ में भी, सभी डॉक्टर्स वगैरह सभी बता रहे हैं कि जो हमारी करेंसी है उस पर भी कोरोना वायरस के थ्रू हम तक COVID-19 वो पहुँच सकता है। तो इससे भी हमें किस तरह प्रोटेक्ट करना है, तो वो सब मैं आपको आज वीडियो में बताऊंगी। मैं बताऊंगी आपको कॉइन्स किस तरह से सैनिटाइज करना है, और जो ये हमारे पेपर के जो नोट्स हैं इसको किस तरह से सैनिटाइज करना है। पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये आप कॉइन है, ये आपको किस तरह से सैनिटाइज करना है। ये दो कॉइन्स मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, तो इसको इसको सैनिटाइज करने के लिए मैंने एक बाउल में वाटर लिया है। और जैसे भी हम अपने हाथ सैनिटाइज करते हैं उसी तरह से हम कॉइन्स को तो सैनिटाइज कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने अपना इसमें थोड़ा सा मैंने हैंड वॉश इसके अंदर ऐड किया है, और इसको अच्छे से आप इस तरह से इस कॉइन्स को इसमें डाल दें, और थोड़े टाइम के बाद 15 से 20 मिनट इसी में डिप रहने दें, और उसके बाद अच्छे से वॉश करके आप इन्हें यूज कर सकते हैं। पर नोटों के साथ ऐसा नहीं है। और दूसरा है, कॉइन्स को सैनिटाइज करने का तरीका है, जो हमारा है हैंड सैनिटाइजर है, उसके थ्रू भी आप अपने कॉइन्स को सैनिटाइज कर सकते हैं। पर यह है कि आप इसको 20 मिनट छोड़ देंगे तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके पास। इसको मैं हटा देती हूँ। हम आते हैं नोट्स को हम किस तरह से सैनिटाइज कर सकते हैं। नोट्स जो होते हैं हमारे, हम उनको सैनिटाइजर नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारा गीला होकर के ख़राब हो जाएगा ना, हम इसको सर्फ से और डिटर्जेंट से किसी चीज़ से धो सकते। तो इसी के लिए मैं एक यूनिक आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी, और जो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। कोरोना वायरस बिल्कुल भी इस नोट पर नहीं रहेगा उसके बाद। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक चाहिए आयरन। ये देखिए, ये आयरन मैंने ली है। उसके बाद ये मैंने बिल्कुल सिम पे कर दिया है, और इस आयरन को से हम अपने नोट को डिसइंफेक्ट करेंगे। पर उससे पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं, आप जब भी कहीं बाहर से शॉपिंग करते हैं तो सबसे पहले बेसिकली हो सके तो आप अपना ऑनलाइन शॉपिंग करें, या फिर कार्ड से पेमेंट करें, या पेटीएम करें, यानी कि आप ऐसी ट्रांजेक्शन करें ही ना कि जो आपको नोट के थ्रू करनी पड़े। अगर करनी भी पड़ती है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने जो नोट है तब तक ही हाथ में रखने हैं जब तक आप अपने शॉप से घर तक नहीं पहुंचते। और जब आप ऐसा नहीं है कि आप मार्केट से आएँ और सीधा आएँ और फिर अपने आप ही अपने अपने से ही खुद ही इसको आयरन करने लगे, ऐसा नहीं है। अपने नोट्स को एक अगर दूसरा पर्सन है तो आप उसको दे दीजिए, तो वो डिसइनफेक्ट कर सकता है इसको। अगर आप अकेले हैं घर में तो पहले अपने नोट्स को ऐसी जगह रखें ताकि जहां से बच्चे या कोई और दूसरा इनको ना ले सके, और हैंड वॉश करने के बाद इसको आप आयरन से डिसइनफेक्ट करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। ये आयरन है, मैंने इसको सिम पे कर लिया है। तो ये देखिए, इस तरह से इसको आपको, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसको गर्म करके, और आप इसको इस तरह से और थोड़ा सा भी स्लो है बहुत भी, तो इसी तरह से आपको ये पीछे से भी इसी तरह से आपको करना है। ये दोनों तरफ से आपको करना पड़ेगा। अगर कोई दूसरा पर्सन है तो उसके थ्रू आप कराएं, और नहीं आप खुद हैं तो अच्छे से मार्केट से आके अपने हैंड्स को वॉश करने के बाद इसको डिसइंफेक्ट करें। इस तरह से आपका नोट जो करेंसी जो है आपकी वो डिसइंफेक्ट हो जाएगी। इस तरह से हल्का सा बहुत गर्म है, आप देख लें कि कितना गर्म आपका जो नोट है वो बिल्कुल टाइट हो जाएगा ये जब ये आयरन से ठीक हो जाएगा। ये देखिए, अच्छे से आयरन हो गया है और ये बिल्कुल टाइट हो गया है। दोनों तरफ से मैंने इसको डिसइंफेक्ट किया है, दोनों तरफ से आयरन किया है, और इस तरह से आप अपने
जो करेंसी है नोट जो है उसको आप डिसइनफेक्ट कर सकते हैं, कोरोना वायरस से बचा सकते हैं अपने नोटों को। तो वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों की हेल्प हो सके। थैंक यू।